Hello to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 5th September 2020 and it's a Saturday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्वेश्चन आर 247 या डिस्क्रिप्शन पर दी लिंक से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर दी है लिंक, वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, क्विजेस भी मिलेंगे जहाँ पे आप आंसर करके जान सकते हैं कि कितने आप कहते हैं करेक्ट हो रहे हैं, आपके आंसर जीएस में कितने सही हो सकते हैं। और डिफरेंट वैरायटी के आपको यहाँ पे क्विज मिलेंगे और कहते हैं आपको वीडियो अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ ये जो नोट्स हम लोग कराते हैं हिंदू एनालिसिस में, वो नोट्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए अब आज की एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसा पहला क्वेश्चन है, NHAI जो है वो कब फॉर्म की गई थी? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब फॉर्म की गई थी ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, पुली कली जो है, पुली कली फोक आर्ट जो है वो किस स्टेट की है? पुली कली किस आर्ट, किस स्टेट की फोक आर्ट है ये आपको बताना है, स्टेट का नाम बताना है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आर जो होता है, क्वेश्चन आर जो पार्लियामेंट में होता है क्वेश्चन आर, तो उसमें किस कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन आर में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको बताना है, और उन टाइप के बारे में बताना है कि कौन से में किस कलर से कौन सा प्रिंट होता है, ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो ये तीनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें, और जो कोई इस वीडियो को देखे प्लीज़ कमेंट जरूर करें। आपको क्या कहते हैं, इन क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप क्या कहते हैं, इसमें कोई सजेशन हो कि हम और कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं, पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज आती है, राजनाथ सिंह मीट्स चाइनीज काउंटर पार्ट वीक इन मॉस्को। कि राजनाथ सिंह, जैसे सब लोग जानते हैं कि अभी राजनाथ सिंह गए हैं, क्या कहते हैं, मॉस्को गए हुए हैं मीटिंग के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने चाइनीज साइड से विंग जो वी फेंगे हैं उनसे मुलाकात की। ये शंघाई कोऑपरेशन जो है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, उसके डिफेंस मिनिस्टर हैं ये विंग फेंगे, तो उनके साथ क्या कहते हैं मॉस्को में बात हुई है, तो ऐसा बात की गई। लेकिन अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो किस बात पे बात हुई है। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी कहा है कि वो भी क्या कहते हैं चाइनीज काउंटर पार्ट के जो वैंग यी हैं, जो SCO के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे बात करेंगे, ऐसा कहना है मॉस्को में। 10 सितंबर को उनकी मीटिंग है। तो ये है क्या, देख लेते हैं, ये SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये है क्या, ये हम लोग अलग से देख लेते हैं। SCO इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स ड्यूरेशन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एमिंग टू मेंटेन पीस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, की पीस स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बनाए रखने के रीजन में ये बना था, ये 2001 में बनाया गया था। SCO चार्टर वॉज साइन इन 2002, ये इसका चार्टर साइन हुआ 2002 में और केम इन टू फोर्स इन 2003। ये एक स्टेचुरी डॉक्यूमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड प्रिंसिपल्स के आउटलाइंस पे वर्क करता है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन और चाइनीज है। इसकी जेनेसिस क्या है, प्रीवियस टू द क्रिएशन ऑफ SCO 2001, इससे पहले कजाकिस्तान, चाइनी, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान इस शंघाई फाइव के मेंबर थे। शंघाई फाइव 1996 में अमर्ज था, जो बॉर्डर डेमिक्रेशन या डीमिलिटराइजेशन जो टॉक्स होती थी उनके बारे में बातचीत करता था एक दूसरे के देशों से। फॉलोइंग द एक्सेशन ऑफ उज्बेकिस्तान, जैसे एक्सेशन हुआ उज्बेकिस्तान को हटाया गया उसको इन 2001, उसके बाद शंघाई फाइव हो गया, वॉज रीनेम SCO, उसके बाद उसे शंघाई फाइव को SCO रख दिया गया। इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने 2017 में। इसके और मेंबर्स हैं कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया इसके मेंबर्स हैं, ताजाकिस्तान भी है, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान इसके इतने मेंबर हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है SCO का, शंघाई कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन का, स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरलीनेस, क्या कहते हैं जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट हो, एक नेबरलीनेस हो, कि क्या कहते हैं जो आसपास के फ्रेंडली नेचर हो, आसपास क्या कहते हैं जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बीच में। प्रमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड एंड इकनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर में एक इफेक्टिव कोऑपरेशन हो दो सब मेंबर स्टेट्स के बीच में। इनहेंसिंग टाइज इन एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा, मेक एक एनहेंसिंग टाइप हो जिससे इम्प्रूव कर सके, जितने मेंबर कंट्रीज है एक साथ इम्प्रूव कर सके। मेंटेन एंड पीस, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी इन द रीजन बनाए रखने की वर्क करता है।
इसका स्ट्रक्चर क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रेड्स, एससीओ सेक्रेटरीट इसमें होता है। तो इसमें ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये इंपॉर्टेंट कैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि इंडियाज मेंबरशिप ऑफ एससीओ कैन हेल्प इन अचीविंग रीजनल इंटीग्रेशन, प्रोमोट कनेक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस ऑर्डर। एक रीजनल इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लाना पूरा कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए और स्टेबिलिटी बॉर्डर्स में लाने के लिए ये जरूरी है। सिक्योरिटी रीजन से कि रेड्स कैन इम्प्रूव इट्स काउंटर टेररिज्म, की काउंटर टेररिज्म में रेड्स हेल्प करेगा। एनर्जी में कैसे कि इंडिया बीइंग एन एनर्जी डिफिशियंट कंट्री विद इंक्रीजिंग डिमांड फॉर एनर्जी, की इंडिया जो एक एनर्जी डिफिशियंट कंट्री है वो उसके पास एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो एससीओ प्रोवाइड कर सकता है उसको इस मीट क्या कहते हैं इस रिक्वायरमेंट को मीट कराने में कहते हैं हेल्प कर सकता है। टॉक्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉल्ड पाइपलाइंस लाइक टापी। टापी जैसी पाइपलाइन है जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया के बीच में जो पाइपलाइन है, वैसे ही जैसे ईरान, पाकिस्तान, इंडिया के बीच में आईपीआई लाइन जो मच नीचे पोस्ट एससीओ, इस तरह की लाइन और होनी चाहिए इन मेंबर स्टेट्स के बीच में। ट्रेड में कैसे हेल्प करेगा? एससीओ प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, ये डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड कर देगा सेंट्रल एशिया में, जिससे जो मेन हिंड्रेंस था जो ट्रेड रिलेशन का इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में वो ख़त्म हो जाएगा। तो एससीओ एक अल्टरनेटिव रूट हो सकता है सेंट्रल एशिया तक का। जियो पोलिटिकल वे में कैसे हेल्प करेगा? सेंट्रल एशिया इज पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड नेबरहुड, कि सेंट्रल इंडिया जो है सेंट्रल एशिया वो इंडिया का एक एक्सटेंडेड नेबरहुड पार्ट ही है, क्योंकि हेल्प्स इंडिया फुलफिलिंग इट्स एस्पिरेशन ऑफ प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन एक्सटेंडेड नेबरहुड। प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया टू स्टैमिटली एंगेज विद ट्रेडिशनल फ्रेंड रशिया एज वेल इट्स राइवल्स चाइना एंड पाकिस्तान, की इससे क्या कहते हैं एससीओ से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से कहते इंडिया के पास एक होगा चांस होगा कि वो अपने जो उसके ट्रेडिशनल फ्रेंड है जैसे रशिया हो गए और जो उसके साथ उसके राइवल्स हैं एनमी है चाइना और पाकिस्तान, उनके साथ एक साथ मिल सके, इंगेज कर सके, टॉक्स हो सके। ये एक प्लेटफॉर्म इस तरह से वर्क किया जा सकता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज आती है सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स अपील बाय सिक्स स्टेट मिनिस्टर अगेंस्ट जेई नीट, की अभी फिर से जो सिक्स स्टेट से जो नॉन बीजेपी स्टेट्स रूल स्टेट से उन्होंने फिर से पिटीशन फाइल की थी, कहता है कि जेई नीट को कैंसिल कराना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कहते हुए कि हमने पहले भी पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, लोगों की बातें सुनी है, लेकिन हम इस पिटीशन को फाइल नहीं करने देंगे, ये कोई मतलब कि नहीं, हम पहले डिसीजन दे चुके हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा, तो फिर उसके बाद ये कहते पिटीशन रिजेक्ट कर दी गई। तो इसमें इम्पोर्टेंट आता है एनटीए, जिसने नोटिफाई किया है कि 1 से 9 के बीच में जेई मेंस के पेपर होंगे, फिर 13 सितंबर को नीट का पेपर होगा, इस तरह सारे पेपर होंगे और पूरी प्रिकॉशन के साथ होंगे, ऐसे एनटीए का कहना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जीएस पेपर टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, कहते हैं जब हम सभी जानते हैं कि ये जो एनटीए है यही अब पेपर कराती है जैसे जेई के, नीट के हो गए, सी टेट, गेट, जी पैट, जी मैट, कैट, यूजीसी नेट, ये सारे पेपर एनटीए कराती है। इसे बनाया गया था और एस्टेब्लिश एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसे इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के द्वारा बनाया गया था। एक ऑटोनोमस सेल्फ सस्टेन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो कंडक्ट कराता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंडक्ट एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट, की एक एफिशिएंट वे में, ट्रांसपेरेंट वे में और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टेस्ट ऑर्गेनाइज करना। फंक्शन क्या है? टू आइडेंटिफाई पार्टनर इंस्टीट्यूशन जो है उसके जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनके लिए एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी प्रोवाइड करना विदाउट एवेसली इम्पैक्टिंग द एकेडमिक रूटीन, की ये भी इसका वर्क है। टू क्रिएट अ क्वेश्चन बैंक, की क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करना हर सब्जेक्ट की मॉडर्न टेक्निक्स से। टू स्टेब्लिश अ रॉन्ग R&D कल्चर, R&D कल्चर प्रोवाइड करना। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज, की ट्रेनिंग और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना जो इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया में उनको। टू कोलेबरेट विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ETS, की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज उनके साथ कोलेबरेट करके वर्क करना। टू अंडरटेक एनी अदर एग्जामिनेशन दैट इज इंटरेस्टेड, की जो और कोई एग्जामिनेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के आते हैं उनको कंडक्ट कराना। इसका गवर्नेंस क्या है? NTA चेयर्ड बाय एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट जो मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के होते हैं उनके द्वारा कैसे चेयरमैन होते हैं इसके, चीफ जो इसके CEO होते हैं वो डायरेक्टर जनरल होते हैं टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस भी होते हैं जो मेंबर्स होते हैं यूजर इंस्टीट्यूशंस के। इसका सिग्निफिकेंस क्या है?
इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था सीबीएसई एआईसीटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको ध्यान में रखने के लिए, एक स्पेशलाइज टेस्टिंग बॉडी बनाने की बात की गई थी इसको। एग्जामिनेशन आर कंडक्ट बाई इन द ऑनलाइन मोड की एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। इसके जो एग्जामिनेशन है इसके द्वारा कराए जाते हैं वो ट्वाइस अ ईयर होते हैं मैक्सिमम एग्जाम्स, और क्या कहते हैं जो होने नहीं होते उनको भी कराने की बात की जा रही है कि ट्वाइस अ ईयर, और वो भी ऑनलाइन मोड में, कि इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी एंड मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रूरल स्टूडेंट्स, कि एक्सेसिबिलिटी और क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स जो रूरल स्टूडेंट उनको प्रोवाइड करना। अभी रिसेंटली एनटीए ने भी अपना एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स भी बनाए, जिससे जहाँ पे वो अपने मॉक टेस्ट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। पिछले साल ही बन गया था जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने मॉक टेस्ट ले सकते हैं जाके वहाँ पे, या ऑनलाइन मोड का एग्ज़ाम है तो वहाँ मॉक टेस्ट करके कि जानना कि कैसे एग्ज़ाम देना है उसके बारे में सोच सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है इंडियाज़ कोविड-19 क्रेसिस क्रॉस 4 मिलियन, की इंडिया में अब कोविड केसेस 4 मिलियन से ऊपर हो चुके हैं, ऐसी इसमें बात की गई है। इस वक्त इंडिया थर्ड कंट्री है जो मोर देन 4 मिलियन केसेस जिसमें है, जो पहला है यूएसए जिसमें 6.253 मिलियन है, और उसके बाद है ब्राज़ील 4.047 मिलियन। तो काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं दोनों कंट्रीज में, तो उसी तरह अब इंडिया में बहुत ज़्यादा केस हो गए हैं, 4 मिलियन केसेस हो गए। लगभग 28% जो न्यू इन्फेक्शन आए हैं वो 5 दिन के अंदर आए, सिर्फ 5 दिन के अंदर 28% न्यू इन्फेक्शन हैं। तो सोचने की बात है कि इतने ज़्यादा केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट को स्टेप भी लेना चाहिए, गवर्नमेंट इतने एग्ज़ाम्स भी करा रही है और जिससे केसेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रिस्क लेना ये लोग रिस्क लेते ही जा रहे हैं। तो वही बात इसमें की गई कि केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं इंडिया में, वही बात। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। बिहार इलेक्शन 65 बाई पोल्स अराउंड द सेम टाइम, ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बिहार इलेक्शन 29 नवंबर से पहले होने हैं, तो इसलिए इसमें कहा गया है कि बिहार इलेक्शन और 65 बाई पोल्स भी हैं जो कुछ जगहों पे हैं, जैसे एमपी में मैक्सिमम बाई पोल्स होने हैं, जहाँ पे अभी जब एमपी की सरकार चेंज हुई थी, जब उनकी सरकार गिरी थी तो फिर नई बीजेपी सरकार बनी, तो उसमें जो गिरी थी तो उसमें कुछ जो रिबल लीडर एमएलए थे तो उन्होंने जो छोड़ी थी वहाँ पर सीट खाली हो गई क्योंकि उन्होंने रिबल किया, तो वहाँ से उनको हटा दिया गया, तो इसलिए वहाँ पर भी इलेक्शन होने हैं। तो इसमें वही बात की गई कि 65 बाई इलेक्शन और बिहार असेंबली इलेक्शन अभी हैं, तो उस पर डिसीजन हुआ है कल ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मीटिंग हुई कल, उसमें ऐसी बात की गई कि जो 64 वेकेंट असेंबली में सीट्स हैं उसमें 27 जो हैं वो मध्य प्रदेश से हैं, जो बाईपोल इलेक्शन होने वो 27 मध्य प्रदेश के, तो सोचने की बात है। उसी तरह नवंबर 29 को क्या कहते हैं नवंबर 29 तक बिहार के इलेक्शन भी क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन को कराना है, तो इसमें यही बात की गई। तो इसमें इम्पोर्टेंट आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन। ये लोकसभा के, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें एक इलेक्शन कमिश्नर पहले होता था, लेकिन अब इसके जो इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट हुआ 1989 उसके बाद ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गया है। इसमें एक वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, फिर टू इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनका सेक्रेटरी न्यू दिल्ली में। एट द स्टेट लेवल जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है वो एक आईएएस रैंक ऑफिसर होता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमिश्नर्स को, इनका फिक्स टेन्योर होता है 6 साल का, ये वर्क करते हैं 65 ईयर्स ऑफ एज का, ये सेम स्टेटस उनके पास रिसीव सैलरी पर्क्स मिलती है जितना जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मिलते हैं। इसके फंक्शन क्या होते हैं इनके, ये सुप्रिटेंड डायरेक्ट एंड कंट्रोल द इंटायर प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शन, पार्लियामेंट का हो, लेजिस्लेटर का हो, किसी या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का हो, सबको ये लोग कंट्रोल, डायरेक्ट और सुप्रिटेंडेंट करते हैं। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इस टू डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल, कि ये इलेक्शन शेड्यूल कब होगा कैसे होगा इसके बारे में ये बात क्या कहते हैं, इन्हीं का इम्पोर्टेंट ये फंक्शन है। ये क्या कहते हैं इलेक्टोरल रोल भी बनाते हैं, ये इशू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी ये इशू करते हैं, तो इनके पास कई इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है सेंटर वांट्स रिव्यू ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन ईआईए ड्राफ्ट, कि सेंटर गवर्नमेंट ने कहा है कि वो रिव्यू चाहते हैं जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था ईआई ड्राफ्ट में, जो हाई कोर्ट ने कहा कि जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको 22 लैंग्वेज में किया जाए ए शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जिससे हर कोई लैंग्वेज का जो है कहते हैं इंडिया में लोग हर कोई समझ सके कि ईआई ड्राफ्ट में लिखा क्या है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है क्या, तो समझ सकें। तो उस पर सेंटर ने कहा है कि उसका रिव्यू होना चाहिए।
चलिए हम लोग देख लेते हैं ईआई होता क्या है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। ये एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एक फॉर्मल प्रोसेस यूज टू प्रेडिक्ट द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कि कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो उस पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे उससे, उसके लिए ये वर्क करता है। ये एक स्टैचुरी बैक्ड वो है, इसमें एक स्टैचुरी बैक्ड है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा वो बैक करता है इसे। इसमें कई प्रोविजन आते हैं, ईआई मेथोलॉजी है, प्रोसेस है जिसके हिसाब से ये वर्क करता है। रेशनल बिहाइंड ईआईए क्या रेशनल, ईआई लुक्स इनटू वेरियस प्रॉब्लम जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए नेचुरल रिसोर्सेज या कॉन्स्ट्रेंट, कुछ दिक्कतें आ रही कोई प्रोजेक्ट की वजह से, या कोई हार्म किस तरह से कोई प्रोजेक्ट हार्म कर रहा है तो क्या कहते हैं पीपल को, लोगों को, लैंड को, लिवलीहुड, इन्वायरमेंट को, तो उस पर ये चेक करते हैं और कैसे इम्पैक्ट कर रहा है उसके बारे में देखते हैं, फिर उसके खिलाफ उससे कैसे बचा सकते हैं उस पर भी ये वर्क करते हैं। वन दिस पोटेंशियल हार्मफुल इम्पैक्ट टू बी प्रेडिक्टेड द ईआई प्रोसेस आइडेंटिफाइज द मेजर टू मिनिमाइज दिस इम्पैक्ट, कि इसको इन मिनिमाइज कैसे किया है उस पर भी ये वर्क करते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अब आता है आज का एडिटोरियल पार्ट, एडिटोरियल पेज को हम लोग देख लेते हैं। एडिटोरियल पेज को पहला एडिटोरियल हम लोग देखेंगे जो है अन्यू डायमेंशन, कि जैसे हमने देखा है मिलिटराइजेशन ऑफ द क्वाड विल नॉट एलिवेट द टेरिटोरियल थ्रेट इंडिया फेसेस फ्रॉम चाइना, कि मिलिटराइजेशन जो क्वाड का होगा उससे हम टेरिटोरियल थ्रेट जो इंडिया फेस कर रहे हैं चाइना से वो खत्म नहीं होगा, वो तब भी रहेगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं क्वाड को क्या होता है, क्वाड क्या होता है, उसके बाद आगे का एडिटोरियल देखेंगे। क्वाड ये एक क्या कहते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। योर ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर एंड सपोर्ट अ फ्री ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन, कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक फ्री ओपन और प्रॉस्परस रहे, इसका आइडिया दिया गया था जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे द्वारा 2007 में, लेकिन उस वक्त ये आइडिया मूव नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया इससे हट गया, कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम नए चाइनीज प्रेशर के उस पर ऑस्ट्रेलिया का हम नहीं इसका पार्ट रह सकते। फिर दिसंबर 2012 में शिंजो आबे ने फिर से इस कॉन्सेप्ट को लाया, डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड इन्वॉल्विंग ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए को, कि जो मैरीटाइम कॉमन्स है इंडो ओशन टू द वेस्टर्न पैसिफिक, वहाँ पे एक फ्री रीजन हो सके, उस पर उस रीजन में किसी का प्रेशर ना हो, तो इसलिए ये किया गया था। फिर नवंबर 2017 में इंडिया, यूएसए और जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलके इसे लॉन्ग पेंडिंग जो क्वाड कॉलिशन था उसको डेवलप किया, जिसे टू कीप जो क्रिटिकल सी रूट्स हैं इंडो पैसिफिक फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस, की उसको फ्री करना किसी इन्फ्लुएंस से, मेनली क्या कहते हैं चाइना के इन्फ्लुएंस से। चलिए अब एडिटोरियल देख लेते हैं, एडिटोरियल में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि इन व्हाट विल बी सीन एज अ शिफ्ट, सिग्निफिकेंट शिफ्ट ऑफ द गवर्नमेंट पोस्चर, कि जैसे हमने देखा है जो इंडिया, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और जापान का क्वाड्रिलेटरल है उसका जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है हमारे जनरल बिपिन रावत, उन्होंने कहा कि ये गुड मैकेनिज्म है लेकिन ये इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इन द ओशियन ओशियन, लेकिन उससे अच्छे से इम्प्रूव करना होगा तभी हम इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री रीजन एक पा पाएंगे, नहीं तो चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, उसके कारण दिक्कतें हो सकती है। जैसे हमने देखा कि अभी पीएलए का फिर से जो स्टैंड ऑफ उन्होंने किया पेंगोंग पे, जिससे काफ़ी दिक्कतें हुई, 29 ये 30 तारीख में, 30 तारीख को उन्होंने फिर से स्टैंड ऑफ किया, तो उसके बारे में अभी भी दिक्कतें हैं वहाँ पे, कहते हैं चाइनीज आर्मी अभी फिर से कहते हैं इंडिया के क्या कहते हैं इंडिया के टेरिटोरियल में घुस आई है। तो इस पूरे एडिटोरियल में वही बात की गई कि क्वाड कैसे हेल्प कर सकता है उसमें। लास्ट में इसमें कहा गया कि इंडिया इज द ओनली कंट्री दैट शेयर्स अ लॉन्ग बॉर्डर विद चाइना, की इंडिया ही सिर्फ ऐसी ऐसी बॉर्डर जो कंट्री है जो क्वाड में जो क्या कहते हैं लैंड बाउंड्री जो है चाइना के साथ शेयर करती है, तो जिसके कारण मिलिटराइजेशन ऑफ क्वाड इन इंडो पैसिफिक वाटर वुड एलिवेट द टेरिटरी थ्रेट इट फेसेस, कि अगर क्या कहते हैं और जो मिलिटराइजेशन होगा क्वाड का इंडो पैसिफिक वाटर में जिससे और एलिवेट करेगा जो टेरिटरी थ्रेट इंडिया फेस कर रहा है चाइना से वो और बढ़ने की चांसेस है, ऐसा न्यू दिल्ली में जो हमारे जनरल हैं चीफ जनरल चीफ डिफेंस जो हैं उन्होंने कहा जनरल बिपिन रावत ने। अगला एडिटोरियल देखते हैं हम लोग। अगला एडिटोरियल आता है अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, कि वॉट एवर द थ्रेट फ्रॉम चाइनीज ऐप इंडिया नीड्स अ बेटर अप्रोच टू टेक रेगुलेशन, कि कोई भी थ्रेट मिले चाइनीज ऐप से उससे उससे अच्छा है कि इंडिया को एक बेटर अप्रोच बनाना होगा इस टेक रेगुलेशन टेक्नोलॉजी के रेगुलेशन पर। इसमें बात की गई अभी रिसेंटली हमने देखा कि चाइनीज मोबाइल ऐप्स कितने सारे बैन किए गए, इंडिया ने लगभग 100 से ऊपर चाइनीज ऐप्स बैन किए गए, जिससे एक मैसिव मार्केट जो है टेक्नोलॉजी की चाइना की वो डैमेज हुई है, ऐसा इंडिया का कहना है, और इंडिया में भी डैमेज हुई है क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंडिया में चलते हैं। तो इसमें वही बात की गई कि ये ऐप बैन क्यों गए, ऐप बैन इसलिए किए गए ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ
कुछ रिपोर्ट में पाया गया कि वो स्टील कर रहे थे और ट्रांसमिटिंग यूजर्स जो थे उनको यूज़ करते थे, जो यूज़ उनका डाटा किसी थर्ड पार्टी को सेंड कर रहे थे। तो ऐसी बात की गई कि इसी कारण उनका ऐसा किया गया कि उनको बैन किया गया। इस पूरे एंड्रॉइड में यही बात की गई। इसमें ये भी कहा गया, इट हैज क्रिटिसाइज इंडियाज मूव्स एंड अब्यूजिंग इट्स अब्यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कि चाइना ने कहा है कि क्रिटिसाइज किया इंडिया के इस मूव को और कहा है कि वो एक अब्यूज़ कर रहे हैं जो कॉन्सेप्ट होता है नेशनल सिक्योरिटी को, वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी को डैमेज करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। ऐसा एलिगेशन उन्होंने इंडिया के ऊपर लगाया। उन्होंने ये भी कहा है कि इट नीड्स सर्टेनली नीड्स अ मोर कंसिडर्ड अप्रोच टू टेक रेगुलेशन। लास्ट में उससे कहा गया कि इंडिया को अब एक टेक रेगुलेशन, जो टेक्नोलॉजी का रेगुलेशन होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनके हिसाब से चलना होगा, तभी हम अच्छे से क्या कहते हैं, जो चाइना से हमारा जो हम लोग बैन कर रहे हैं उसके कारण हम उसे कंट्रोल कर से पाएंगे, एक हम अपने के लोगों को अच्छा सा प्रोडक्ट यूज़ करवा सकते हैं। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है पार्लियामेंट स्टिफर्ड बिजनेस एंड अ वर्ड ऑफ एडवाइस, कि जैसे हमने देखा कि इसमें वही बात की गई जैसे कि जो हमारा लेजिस्लेशन चालू होने वाला है, पार्लियामेंट चालू होने वाला है 14 सितंबर से, तो उसके बारे में ये बात की गई कि कैसे क्या क्या होगा, क्या कहते कैसे होगा वहाँ पे, कैसे हेल्थ सेफ्टी का क्या सोचा गया है, स्टाफ वर्किंग कैसे होगी लेजिस्लेटर में, तो उसके बारे में इसमें बात की गई कि पूरे एडिटोरियल में वही बात की गई जैसे हमने देखा कि पार्लियामेंट ने कई प्रोविजंस लाए कि पूरी सेफ्टी के लिए जो MPs हो गए कि जोरा जीरो आर को हटाया, कि कहते हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने की बात की, लेकिन जीरो आर हटाया गया जिससे कई MPs हैं जो अपोजिशन के MPs हैं उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से गलत है, ये अपोजिशन की पावर ये लोग छीन रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन आर में लोग पूछते थे क्या कहते हैं उसको भी हटाया गया। तो उसके कहा इसमें पूछा कहा गया कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के बारे में कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होगी कि जिसको है कोरोना उसके बारे में टेस्टिंग होगी उसके में। इसमें भी कई इसमें पूरे में यही बात की गई। लास्ट इसमें कहा गया कि पार्लियामेंटर्स हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स इंडियन सिटीजन, क्या कहते हैं कि एक पार्लियामेंट्रीज की ड्यूटी है कि इंडियन सिटीजन के लिए कि वो स्क्रूटिनाइज करे जो गवर्नमेंट का वर्क है और गाइड करे उसकी पॉलिसी को, क्योंकि गवर्नमेंट तो क्या कहते हैं 5 साल बाद ही हटती है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट है उसके क्या कहते हैं उसको बताया जाए कि आपका वर्क सही नहीं था, तो आप 5 साल तक आपको वेट करना ही पड़ता है क्योंकि हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, तो इसलिए उनको बताया जाए तो हमारे MP जो हैं उनको क्या कहते हैं जो इनका स्क्रूटिनाइज करना चाहिए, जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको स्क्रूटिनाइज करना चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसी, और उनको बताना चाहिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं, लोगों को पता चलना चाहिए, लोगों को जो हमारे पार्लियामेंट्रीज हैं उनको बताना चाहिए, क्योंकि इस कोरोना में कोरोना वायरस में लोग उतना नहीं जान पा रहे, बस लोग न्यूज़ से जान पाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो इसलिए थोड़ा कहते हैं जो अपोजिशन हैं उनको थोड़ा अच्छे तरह से स्क्रूटिनाइज करनी चाहिए और अपनी वर्क की करनी चाहिए, क्योंकि तभी हम अपनी डेमोक्रेसी को पूरी तरह से राइटफुल रोल में ला पाएंगे। चलिए अगली न्यूज़ आती है रेलवेज में डिक्रिमिनलाइज बैगिंग, की कहते हैं कि जो अभी उन्होंने क्या कहते हैं रेलवे ने लाया है कि रेलवे एक्ट 1989 के द्वारा द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने प्रपोज किया कि डिक्रिमिनलाइज बैगिंग को, ट्रेन और रेलवे प्रमाइसेस और रेलवे स्टेशन कहते हैं बैगिंग करना एक एक क्रिमिनल वर्क होगा, कि आपको फाइन देना होगा अगर आप कोई भी फाइन हुआ कहते हैं बैगिंग करते हुए भीख मांगते हुए, उसके ऊपर 100 रुपये का फाइन लगेगा, पनिशेबल फाइन लगेगा और जो एक्सटेंड भी कर सकता है 100 रुपये से ऊपर, ऐसा एक्ट का कहना, ऐसा ये एक्ट आया। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है मैसिव एफर्ट्स ऑन टू डॉव्स ऑयल टैंकर ब्लेज ऑफ श्रीलंका कोस्ट, जो श्रीलंका कोस्ट में अभी जो कुवैत से इंडिया क्रूड ऑयल आ रहा था तो जल गया, जो 27,270,000 जो मेट्रिक टन क्रूड ऑयल था वो वहाँ पे जल गया, जो कुवैत से आ रहा था पैरादीप उड़ीसा में, तो वो जल गया वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा लोग घायल हुए, लगभग 25 नॉटी माइल दूर था श्रीलंका का जो कोस्ट था वहाँ से, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में अभी रिपोर्ट बनेगी, तो उसके बारे में ये पूरी न्यूज़ बताई गई है। चलिए अगली न्यूज़ आती है काजीरंगा सेट टू बी एक्सपेंडेड बाय 3,053 हेक्टेयर, की काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो एक्सपेंड किया जाएगा, आसाम गवर्नमेंट ने कहा है कि जो एडिशन है 30.5353 स्क्वायर किलोमीटर वो एक्सटेंड किया जाएगा, जो इस वक्त रिसेंटली काजीरंगा का 88.884 स्क्वायर किलोमीटर उसको एक्सटेंड करके 30.53 स्क्वायर किलोमीटर और उसमें जोड़ा जाएगा। चलिए देख लेते हैं काजीरंगा को, हम लोग अलग से देख लेते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क को। काजीरंगा नेशनल पार्क क्या कहते हैं
इसे बनाया गया था 1908 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मैरी कजन। ये गए थे एज ऑफ द ईस्टर्न हिमालय में पड़ता है गोलाघाट और नागोन डिस्ट्रिक्ट जो आसाम है वहाँ पे। इसे 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया यूनेस्को के द्वारा। ये ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है जो वहाँ पे मेनली पाए जाते हैं। ओवर द टाइम टाइगर पॉपुलेशन भी वहाँ पे इंक्रीज की गई थी काजीरंगा में, इसलिए वहाँ पे टाइगर रिजर्व भी 2006 में उसको रिजर्व कर दिया गया कि वो एक टाइगर रिजर्व है। इसलिए इसमें यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एविफॉनल क्या कहते हैं जो होती है स्पीशीज उनके लिए फाइंड किया जाएगा। द पार्क है सक्सेसफुल मैनेज टू ग्रो द पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस की, जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस है जो वहाँ पे मेनली पाए जाते हैं इंडिया में, तो वो भी इंक्रीज किए उनकी भी पॉपुलेशन ऐसे उसमें बात की गई है। यहाँ जो कुंभी होती है इंडियन गूसबेरी द कॉटन ट्री एलिफेंट ट्री अमंग द फेमस सी दैट कैन बी सीन इन द पार्क। एशियन वन हॉर्न राइनोसोरस क्या होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं अलग से। इन्हें ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसोरस भी कहा जाता है या एशियन वन हॉर्न राइनोसोरस। ये राइनोसेराटॉइड फैमिली के ही बिलोंग करते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मेनली पाए जाते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ तराई ऑफ नेपाल में, जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन अच्छी अमाउंट में है। इनका वेट 2260 या 300 किलो के बीच में होता है। ये फोर्थ लार्जेस्ट लैंड एनिमल होते हैं और सिंगल हॉर्न के जो हैं। दीज राइनोसोर्स आर वंस रेंज थ्रू आउट द इंटायर स्ट्रेच ऑफ द इंडो गैंगटिक प्लेन। ये इंडो गैंगटिक प्लेन में मेनली रहते हैं। ये दौड़ सकते हैं 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, थोड़ी सी देर के लिए इतना तेजी दौड़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे स्विमर भी होते हैं। इनकी सेंस ऑफ हियरिंग और स्मेल बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये इनकी आई साइट बहुत पुअर होती है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबा दें। और आपको वीडियो कैसे लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई सजेशन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।